अभी छक्का लगाया यारों का, गजब का छक्का लगाया, तबाही तबाही छक्का, और इनके जो है ना मुंह सूज गए हैं, छक्का देगा। मैं ये टीमें चेंज कर लेते हैं, एंड पर हारने लगे तो नहीं, अभी मैं फिलहाल कोई टीम नहीं है फिर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम तैमूर आबिद। तो भाई जान शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो भाई साहब आज हम दिन में काफ़ी मसरूफ थे, तो मैच लगा हुआ इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का, तो यार मैंने कहा चलो सोचा व्लॉग ही बना लेते हैं। तो भाई साहब ये बैठे हैं जी इमरान भाई, और साथ बैठे हैं जी रिजवान भाई। तो ये देखे जी क्या देख रहे हैं जी, मैच देख रहे हैं, तो मोबाइल पर मैच देख रहे हैं आज। तो मैं तो जो पहली टीम मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान है, लेकिन उसके बाद जो मैं सपोर्ट करता हूँ वो है जी टीम इंडिया को। तो इस टाइम ये भाई लोग बैठे हैं न्यूजीलैंड के सपोर्टर हैं रिजवान भाई। तो रिजवान भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं जी न्यूजीलैंड। और आप भाई? न्यूजीलैंड भाई दोनों। हाँ। तो ठीक है फिर आज हो जाए मुकाबला। तो इस टाइम यार मैच लगा हुआ है तकरीबन कोई 4 ओवर में, वो 35-40 रन हुए पड़े हैं 5 ओवर में। बाद इंडिया दो रहा है अच्छा खासा, तो बाद जो देखते हैं जी मैच। न्यूजीलैंड जीतेगा इसको, तो भाई जान देखते हैं। ठीक है चलो जी अभी पता चल जाते हैं। लगाओ यार मैच, रखो इधर यार, रखो इधर, किधर है मैच? ये मैच है, चलो इधर रखो यार, लगाओ ना ये इधर रख के देखते हैं तसल्ली से मैच। यार रख दो ये देखो जी। जी तो भाई जान मैच लगा हुआ है 8 ओवर और 52 रन हो चुके हैं, और कोई विकेट नहीं गिरी इंडिया की अभी। तो यार मैच बहुत अच्छा जा रहा है, तो भाई साहब मैच जीतने वाले हैं, और इनकी शक्लें ना आप देख लेंगे रोने वाली हो चुकी। ये देखे यार मैच लगा हुआ बड़ा बेहतरीन किस्म का, इंडिया के जी हो चुके हैं 52 रन, हाँ जी 0 आउट है। तो भाई आज मैं फुल सपोर्ट करूंगा इंडिया को, बेस्ट ऑफ लक इंडिया। तो भाई साहब टोन के रख देना आज न्यूजीलैंड को, टोन के रख देना इंग्लैंड हरा देगी इंडिया को। इसको पता ही नहीं है मैच का, ठीक है तो ये समझ रहा है इंडिया और इंग्लैंड का मैच है। किस किस का? इंडिया और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हराएगी इंडिया को, देख लेना। तो पहले ये तो पता कंफर्म करो ना मैच किस किस का है, कुछ नहीं पता। आज इंडिया ने बारिश में जब कर देनी, टोन देना आज इंडिया वालों, बेस्ट ऑफ लक जी। तो भाई जान रोहित शर्मा ने अभी छक्का लगाया यारों का, गजब का छक्का लगाया, तबाही तबाही छक्का, और इनके जो है ना मुंह सूज गए हैं छक्का देकर। और ये भाई हैं जी, इन जब रोहित शर्मा ने छक्का लगाया है ना, तो भाई साहब ने कहा भाई मेरी टीम है इंडिया, मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया जीतेगी जबरदस्त। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये भाई साहब जी अभी भी खड़े हैं जी, न्यूजीलैंड है भाई, चेंज तो पार्टी चेंज कर बाशो। ये देखें जी इस टाइम बाशो इंडिया सही करके दौर है, स्कोर हो चुका है जी 64-0 आउट, और 10.3 बाले हो चुकी हैं, और टारगेट कोई नहीं इतना ज्यादा है भाई साहब। तो आज इंडिया ने मैं कहता हूँ तबाही फेर देनी है भजन, तबाही फेर देनी है, कोई टेंशन नहीं है, सही आउट होना। इंडिया वालों छा गए, मैं कहता हूँ मजा आ गया आज न्यूजीलैंड की, जो जल्दी आउट किया ना 270 रन पर। तो आज इन भाई साहब को इंशाल्लाह देखना ना, इनका जो मुंह लटक जाएगा थोड़ी देर बाद, मेरे ख्याल में 30 ओवर में रन चेज हो जाएंगे इंडिया के, आई होप इंशाल्लाह। तो भाई साहब आप क्या कहते हो? मैं यही कहता हूँ इंडिया आज थोड़ी देर बाद जब लास्ट में मैच आएगा तो वो दिखाऊंगा मैं। भाई कैच ड्रॉप, गुड लक। और भाई साहब ये देखे जी शुमन गिल है, ये कौन है जी? मैं रोहित शर्मा, यार क्या कमाल का छक्का लगाया है, छक्का लगाया भाई, ये लिखा ही हुआ है ब्लू कलर में 6 है। और भाई साहब ये देखो, और ये देखें जी रोहित शर्मा का छक्का, क्या कमाल का छक्का लगाया, और भाई की ये मुंह सूजा पड़ा है जी, ओए तबाही है भाई जान तबाही। तो ये देखें जी भाई के जी मुँह क्या हुआ है भाई, हेलो अजान क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। नहीं कुछ यार, क्यों खामोश हो गए हो? यार कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया हमारा। देख लें जी, घसे पिटे जो शेर होते हैं ना, अब इनको याद आ रहे हैं भाई साहब को। कौन जीत रहा है फिर भाई साहब? इंडिया लम उतार देगी मैं कहता हूँ जी। तो भाई साहब यार रोहित शर्मा आउट हो गया है, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विराट कोहली आ चुका है,
विराट कोहली आ चुका है, आते साथ ही उसने आते साथ ही चौका लगाया है, तो बादशो आज उम्मीद है कि पूरी आज सेंचुरी बनाएगा विराट कोहली। तो अभी उसने यार चौका लगाया, कमाल की कवर ड्राइव उसने खेली है यार। अभी विराट कोहली ने चौका लगाया, अभी उसने आउट हो जाना है। तकरीबन ओवर हो चुके हैं जी, 13वां ओवर जा रहा है और 75 स्कोर है, एक आउट है। आज मेरा फेवरेट प्लेयर इंडिया की टीम में जो है वो एक ही विराट कोहली, जैसे पूरी इंडिया का प्लेयर है विराट कोहली, इस तरह मेरा भी फेवरेट प्लेयर है। तो आज मेरी ख्वाहिश है कि यार वो 100 करे रन, तो इनके जो मुंह है ना वो कद्दू की तरह सूज जाएं। तो बस भाई देखते जाएं यार आज होता क्या है इनके साथ। मैं तो बहुत सारा एक्साइट, क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्साइटेड हूँ जी, हारने के लिए, जीतने के लिए और विराट कोहली को 100 देखने के लिए। कुछ नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेनी, विराट कोहली सुकून से 100 मारेगा जी। तो यार फाइनली इंडिया के 100 रन हो चुके हैं 15 ओवर में, और भाई साहब के मुंह सूज पड़े हैं जी, तो पता नहीं यार क्या हुआ है, धुंध आ गई है जी, क्या हुआ है मैच में, लाइट साफ हो गई है। हाँ 100 हो गया है ना भाई साहब, जीत गया नहीं भाई, ये रहा नहीं जाता है, कौन जीतेगा यार, पता नहीं मैं लाइट साफ हुई है, क्या चक्कर बन है। तो मैच की थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, लाइट अभी ऑन हो जाएंगी। तो भाई साहब टोटल स्कोर रह गए 175-74, इतना रन रह गया। तो बस 15 ओवर में 100 हो गया, तो अगले 20 ओवर में इंशाल्लाह ये 25 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, भाई ये लाइट्स ठीक होती हैं। तो टेंशन नहीं लेनी आज, आज हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं जी इंडिया की, चलें जी देखते हैं जी क्या होता है अभी। तो भाई साहब से पूछते हैं, भैया आपको अभी चांस है टीम वगैरह चेंज करने का, इस तरह हम नहीं करते, रुको जरा सबर करो। अच्छा हमारी न्यूजीलैंड, चलें ठीक है भाई जी। तो यार इंडिया का तीसरा खिलाड़ी आउट हो गया, शरियाज शैयर नाम है मेरे ख्याल से, तो आउट हो गया। लेकिन मुझे टेंशन की बात नहीं है भाई, बहुत खुश हो रहे थे पहले के, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता है 7-8-9 नंबर तक इंडिया की बैटिंग है। तो आज यार फुल सपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया को, तो आज उम्मीद है इंडिया जीतेगा न्यूजीलैंड से। तो भाई साहब अभी क्या बना मैच, कमर्शियल आ गई है, कमर्शियल आ गई है, लेकिन मैच थोड़ा सा रह गया, तकरीबन 130-135 रन रह गए, वो तो इंडिया वाले वैसे ही खा जाएंगे। कोहली खड़ा है, उसने बाजो 3-4 छक्के लगाने हैं, तो बाजू मैच फिनिश, टाटा बाय जी। तो यार अभी मैच देख रहे, तो भाई साहब इंडिया का चौथा खिलाड़ी आउट हो गया है, लेकिन टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है भाई साहब, खिलाड़ी बहुत पड़े हैं यार, अभी मुझे टेंशन नहीं है, अभी पांडे आएगा, खिलाड़ी बहुत पड़े हैं, सब बारी बारी आउट हो जाएंगे। मेरे को जान आउट कहाँ होंगे, बस कोई मसला नहीं है, स्कोर रह गया भजन 90 स्कोर रह गया, टोटल 90। तो बस टेंशन लेनी बिल्कुल नहीं है, मैच जीतने वाले हैं जी, देखते जी आपको अपडेट देते चलते हैं जी। मैच हो चुका है जी, तकरीबन एंड पे पहुंच चुका है, और 30 बालों पर 26 रन रह गए हैं, मैच बिल्कुल ना सही कर, मैं कह दूं फंसा पड़ा है, देखना है अभी कौन जीतता है मैच। कोहली खड़ा है, जडेजा खड़ा है, और बस ये 5 ओवर हैं, उम्मीद है इंडिया जीत जाएगा, प्रेशर में आई हुई है टीम, लेकिन उम्मीद है जीत जाएगा। तो ये रिजवान साहब हैं, ये बड़ी ने चटतले मारे हैं अभी, तो इनको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये देखे मानी भाई परेशान बैठे हैं जी, स्कोर भी कम रह गया और बालें भी कम हैं, तो मैंने इनको बोला है आपने हारना नहीं है। तो अभी ये रिजवान भाई हैं जी, ये उसको प्रेशराइज किया होगा किस टाइम का, तो देखते हैं जी क्या बनता है। चल जी, तो भाई जान 9 स्कोर रह गए इंडिया के, 20 बॉले हैं, और विराट कोहली बादशो खप्पे खोली पिया, तुम चाड़ी पिया, तुम चाड़ी पिया, तो बाबा जी इनकी शक्लें देखो, आप इनकी शक्लें देखो, न्यूजीलैंड वालों की बहुत इंडिया के साथ भाई, मारो मुझे, मारो स्कोर देखे जी, स्कोर देखे जी भाई साहब, भाई और सेंचुरी करने वाला है, 8 स्कोर रह गए हैं, टोटल 9 स्कोर है। तो बादशो दुआ करे सेंचुरी हो जाए कोहली की यार, बस। तो इनकी शक्लें देखे यार, इसकी शक्लें देखे भाई साहब, न्यूजीलैंड फुल सपोर्ट है, इंडिया जीतेगा, ओ सपोर्ट नहीं है, अब उसको चेंज कर रहे हो टीम, ये क्या बात हुई, मैं शुरुआत से इंडिया के साथ हूं, कौन है ये लोग, ये रोते रोने लग जाते हैं ना, अब हारने वाले हैं, बचपन से ये रोने वाले हैं, रोने लग गए हैं, अब टीम इनकी आ रही है ना, तो मानी इमरान बता यार इसकी क्यों, कौन सी टीम थी इसकी, इसकी न्यूजीलैंड थी, तो अब क्या रोने लग गए, रोने लग गया ना, रोने लग गया, बादशाह इंडिया जीतने वाली है बादशाह यार। तो
बड़ी टेंशन बन गई है यार, कोहली आउट हो गया है। सेंचुरी के चक्करों में छक्का मारने की कोशिश की और कैच आउट हो गया, सेंचुरी भी नहीं बनी उसकी तो, लेकिन कोई मसला नहीं है, चले अगली बार सेंचुरी बना लेगा। लेकिन इस टाइम जी स्कोर रह गए हैं टोटल 6 स्कोर और इंडिया जीतने वाला है और इनकी शक्लें जी देखने वाली हुई पड़ी हैं जी भाई साहब। चलते जी बस 6 स्कोर हैं तो भाई साहब समझ लो जीत गए हैं भाई, टेंशन तो लेने की बात ही नहीं है अब। तो ये भाई साहब ये टीमें चेंज कर लेते हैं एंड पर हारने लगे तो? नहीं अभी मैं फिलहाल कोई टीम नहीं है, फिर देर तक बताऊंगा। अच्छा अभी बताना है आपने, अब क्या बताना है, अब 6 स्कोर रह गए हैं, कितने इंसान है वही तो कह रहा हूँ थोड़ी देर तक बताता हूँ यार। इसकी हाल है इमरान साहब, हार गया ना यार, तो मैच इंडिया जीत चुका है और ये देखे जी इंडिया, हार चुकी इंडिया है। जी ये देखे जी इंडिया विन कर चुका है भाई साहब, और भाई साहब लोगों ने जी हार चुके हैं तो इनको आप क्या खिलाएंगे? तो स्टार से इंडिया है यार। जी हरामी हो जी जी बस 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 करें जी भाई साहब, इंडिया जीत चुका है, कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया। तो भाई साहब बहुत खुश हुई है इंडिया जीत गया आज। तो भाई साहब अभी फिर ये है कि करने लगे हैं जी व्लॉग को एंड। तो भाई जान वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भाई साहब लाजमी इंडिया जीत गया इंडिया वाला सपोर्ट करो यार हमारे भाई के चैनल को। तो भाई जान वीडियो को सॉरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना नहीं ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।